कि हम यूसी टू में खड़े हैं, पीने वाले पानी की ये सूरत हाल है, अगर कैमरामैन साहब दिखा सके, ये कैमरामैन साहब अगर दिखा सके, ये अगर दिखा सके तो ये यहाँ की सूरत हाल है और ये यहाँ पानी की सूरत हाल है। मुझे बताएं जी कब से इस तरह है? ये काफी दिन से ऐसे है जी, वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे साफ पानी आता है? कितने साल हो गए? ये देख सकते हैं जी आप, वजू के काबिल भी नहीं है पानी, बदबू आती है, गटर मिला पानी है। ये पानी की सूरत हाल है, ये पानी हम पीते हैं और कई सालों से ये पानी पी रहे हैं, इसी के ऊपर हम नहाते हैं, इसी के ऊपर हम गुसल करते हैं और इसी पानी से वजू करते हैं। यहाँ से वो 5 साल हो गए हैं, एक बार नहीं यहाँ तक आया। उससे पूछे कि अगर वो अब सुबाई वजीरा तो यहाँ पर आके अपने अपने इलाके का हाल देखे, अपने जोन से जहाँ से वो जीते वहाँ पर आके देखे, हमने उनको वोट दिए। मकसद ये है कि जदों से एम पी ए होया है, एम ए होया, एम पी ए जो भी हो दोवें, ये साढ़े हल्के च आके बड़े ही ने। एक दिन आया मैं उन्हें पूछया, मैं क्या मलक साहब है देखो की हाल है, वो आंदा चुप कर जाए थे यो हाल रहना है। घर के अंदर टैंकी की बाल्टी जो पानी भरते हैं उसके नीचे इतनी गार होती है, रोज टैंकी धोते हैं उसके टैंकी गार ही बहुत ज्यादा घर के अंदर, घर के अंदर पानी के अंदर बलगम हमारे घर में आई है। बच्चों पानी साफ आता है? नहीं आता। साफ पानी चाहिए? साफ पानी चाहिए? ये आप देख सकते हैं जी पानी की रंगत, अगर कैमरामैन साहब दिखा सके, पानी की रंगत ब्लैक है, सुरमई से भी डार्क है ज्यादा। जनाब बिल दे के ये थक गए हैं ना, मैंने बढ़िया सारे इलाके से। ये वो ट्यूबवेल्स हैं जिनसे साफ पानी निकाल कर आबियारी की जाती है। ये वो पानी है, ये पूरे का पूरा पाइप है जी जो साफ पानी है, साफ पानी पीने वाला और खूबसूरत पानी, बहुत मज़ेदार पानी। और ये हल्का हल्का आपको कोसा नजर आएगा, ये पानी देखें आप जरा। और कमाल सर, इस पानी को बचाने के लिए, इस पानी को बचाने के लिए आपने पिटीशन दायर की थी और अदालती हुक्म पर इस पानी को बचाने के लिए अभी तक इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितने लीटर गैलन्स, कितने सैकड़ों हजारों लीटर गैलन्स जो है ये, और कितना क्यूसिक पानी जो है वो जाया हो रहा है। ये फुहारा भी आप देख सकते हैं और ये कई इस तरह के फारे और भी लगे हैं इस पार्क में, काफ़ी बड़ा पार्क है। अक्सर साहब मुझे ये बताइए कि डीजी साहिबा तो आपकी फरमाती हैं अदालत में और उन्होंने कहा कि जज साहब ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो 10 मिनट का खेल है, हम तो फौरी कर देंगे, और आप ये देखें पानी का ज़िया और अभी तक जिना में ये ज़मीनी पानी लग रहा है, yes. ट्यूबवेल्स ज़मीनी लग रहा है, ऐसे ही है। फुहारा नहीं चल रहा, फुहारा कोई छोटा मोटा चल रहा होगा, बड़ा कोई नहीं चल रहा है सर, सेंटर वाला चल रहा है, अभी हम देख कर आए हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये, डायरेक्टर साहब ऑन रिकॉर्ड है। डायरेक्टर पीएचए की गुफ्तगु आप सुन रहे थे, उन्होंने अभी फरमाया कि कोई छोटा मोटा फुहारा होगा, ये छोटा मोटा फुहारा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फाद शहबाज खान। पीने का पानी लाहौर का सबसे बड़ा इशू है और ये इशू इतना बढ़ चुका है कि आप ये देखें कि 900 प्लस लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी सूरत हाल क्या है, आप मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे बंद हो चुके हैं अरसद रात से और ये यहाँ की सूरत हाल है, और आप देखें कि लिख के उन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ कुछ भी नहीं है और अरसा दराज से ये बंद पड़े हैं। बेशुमार दफ़ा जो है वासा को भी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से लिखा गया, कहा गया कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ लाई जाए, इनको आप जो है वो अपनी तहवील में ले लें, लेकिन वो सूरत हाल भी आपको दिखाई देती नहीं नज़र आएगी। और इसमें सारा का सारा मामला जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ के इलाका मकीन जो हैं उनको फिर अच्छी खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ये कब से बंद पड़ा है जी? देखें जी फाज़ शहबाज़ साहब, इस वक्त हदूद का तायुन नहीं हो पा रहा कि शहर लाहौर के बासियों को साफ पानी फ्राहम किसने करना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बल्दियात, वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इन सब के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं हदूद के हवाले से। हम इस वक्त मौजूद हैं मक्का कॉलोनी में और आप देखें कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए ये देखें कि जर्मनी से दरामद करदा ये मशीनरी है, ये आप बताएँ कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए पीने के साफ पानी का जर्मनी से दरामद शुदा फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है और मुजरे सेहत जरासीम से मुकम्मल तहफ़ आर्सेनिक की पानी में मौजूदगी की मुकम्मल तथहीर, फिल्टर प्लांट के पानी से बीमारियों जिनमें यरकान है, हैज़ा है और जिल्द वगैरह से मुकम्मल निजात है, और साफ पानी पिए और सेहतमंद ज़िंदगी जिए। महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्यूनिटी डेवलपमेंट हुकूमते पंजाब, आखिरी लाइन ये बड़ी आम तरीन बात है, ये साफ और पिए और सेहतमंद जिंदगी जिए, तो साफ पानी कहाँ से पिए फाज़ शहबाज़ साहब?
ये कर रहे हैं आप अवाम के साथ, देखें किस में से पानी आता है। ये तो ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने भूत बंगले की शक्ल दे दी है आपने, ये इसको किसी जमाने में अपनी जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि हमने लगा दिया इसके साथ जो ट्यूबवेल है वो भी परफॉर्म। पार्क में पार्क भी जोहड़ बन चुका है, इधर ये जरा करीब आइए, ये गंदगी आप दिखा सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट में लोग इधर इसे वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल अब करते हैं, गंदगी की इंतहा है। और ये पार्क जो है, पार्क सारे का सारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मेरे कैमरामैन अगर क्लोज चले जाएं तो आप दिखा सकेंगे कि पार्क की सूरत हाल जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस आप? ठीक ठाक सर जी। सेहत कैसी है आपकी? ठीक ठाक सर जी। पानी पी के बीमार हो गए, सेहत कहती सही सर। पानी आंदा तो बो वाला आंदा, ये आंदा नहीं तो नहीं आंदा पानी सर। ये कब से बंद पड़ा है सर? बाबा दो नहीं, डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया सर बंद हुई। डेढ़ महीने से बंद। पहले चलता था? पहले चल रहा था। हालत तो बता रही, बहुत देर से बंद है। मैंने डेढ़ माह हो गया बंद ही है, तो चल नहीं रहा, तो इसलिए गंदा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर ही रहते हैं? जी हाँ जी। कब से ये बंद पड़ा है? इसको 7-8 माह से ये बंद है ऑलमोस्ट। और इस इलाके के अंदर अशद जरूरत है साफ पानी की। जो पानी आ रहा है वो फजला मिला पानी आ रहा है, और काफ़ी गलियों के अंदर पानी की रीच ही नहीं है, एसएससी नहीं है, लोग कलब रहे हैं यहाँ पे। ना नमाज के लिए वजू के लिए पानी है, ना घरों में इस्तेमाल के लिए पानी है। लेकिन यहाँ पे एक होप थी कि जब ये शुरू हुआ था, लोगों की एक उम्मीद बन गई थी कि साफ पानी मिलेगा, और लोग दिन रात यहाँ पर ताना माना बंदा रहता था, डे एंड नाइट लोगों का यहाँ पर रश रहता था। ये सारी कैपेसिटी को आप आइए मेरे साथ पार्क में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है और इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। शेख साहब आइए मेरे साथ, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं जी कि यहाँ अब कुत्तों का बसेरा है, कुत्ते यहाँ रहते हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ग्राउंड है साफ सुथरा, और बड़ी मुश्किल से लाहौर में अब छोटे छोटे पार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली पार्क्स जो हैं उन्हें यूटिलाइज किया जा चुका है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये प्लांट कब से बंद है पानी पीने वाला? इनको पता है भाई, ये 7-8 माह हो गए। 7-8 माह से? हाँ, ये पहले ठीक था? पहले ठीक था बिल्कुल, ये 7-8 माह हो गए बंद है। तो यहाँ तो वो लोग इसे वॉशरूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा हाल है। जो बंद हो गया दरवाजे खुले तो वॉशरूम के लिए निशा इस्तेमाल करते हैं। और ये पार्क के पीछे भी आप अगर थोड़ा जाए तो सारे का सारा गंद गलाजत गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये पार्क देखें जी, मैं आपको सर्वे कराता हूँ, आइए मेरे साथ शेख साहब। अब देखें ये पार्क जो जर्मनी से दरामद करता मशीनरी है, वो कुछ 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए की तो नहीं आई ना, तो अल्टीमेटली आपने सरकारी खजाने से इतने पैसे लगा के फिर आपने उनको फजूल छोड़ दिया। एक तो आपने पाक की अराजी भी ऑक्यूपाई कर ली, इसको ये आवाम से पाक की जगह भी छीन ली। सलाम वालेकुम जी। और जो है ना मक्का कॉलोनी के चोर, ये खा गए हैं ये इलाके को, यहाँ सब जो है ना लूट लिया है। यहाँ जो हुक्मरान थे ना, जो मसलन इलाके के चेयरमैन थे, जो उन्होंने अपने पेट भरे हैं। यहाँ लोग करते हैं। हम यहाँ कहाँ आके बैठेंगे, मुझे बताएं हम किधर चले जाएं? कब से बंद है ये? कब से ये जितना भी इनको पैसा मिला है, इन्होंने अपने घर बनाए हैं। इनके एक एक बंदे के 4-4, 5-5 घर हैं। गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं, रुल रहे हैं। ये जो चेयरमैन है इलाके के, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छे हैं, समझते कि नहीं? बहुत बहुत आप जरा ये बात चलाएं, समझते कि नहीं? ये यहाँ की मशीनरी क्या सूरत हाल है जी, और बाहर से ये मशीनरी जो है उसे लाया गया था, और अब ये खंडर का मंजर पेश कर रही है, और नशाई यहाँ बसेरा करते हैं। ये इंजेक्शन आप दिखा सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर क्लोज आए तो यहाँ ज़्यादातर वो अफराद जो नशे के आदि अफराद हैं उनका बसेरा है, और ये सारे का सारा कूड़ा करकट में बदल चुका है। और ये इसके साथ ये प्लांट है, और इस प्लांट में आपको दिखाएं कि जो तालाब लग चुका है ये जंग लुदा हो चुका है, और ये अरसा दराज से आप देख चुके हैं। इसको थोड़ा क्लोज अगर आएंगे कैमरामैन साहब, तो ये 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये चला करता था, जिसमें 12 से 2 तक वक्फा होता था। प्लांट से मुतल्लिक शिकायत जो हैं वो मरकजी दफ्तर में आपने इंचार्ज जोन को जमा करवानी होती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। और उम्मीद रखते हैं कि ये जो नंबर इन्होंने दिया होगा, इसकी सिम भी इन्होंने तोड़ दी होगी। और ये एक मिसाल नहीं है, आप लोकल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनका जायज़ा जब लेंगे तो बेशुमार प्लांट्स ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिनकी हालत ज़ार जो है आप उसको देखकर हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि अब पाकिस्तान में और लाहौर शहर के वासियों का हल क्या होगा और किस तरीके से वो साफ़ सुथरा पानी उन्हें मैसर आ सकेगा। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए।